ये आपका क्वेश्चन पेपर बीएड स्पेशल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया का 2021 का, और आज हम इसके आंसर्स देखेंगे, लेकिन हम फटाफट आंसर देखने जा रहे हैं। इसका डिटेल सोल्यूशन आपको कुछ देर बाद मिल जाएगा, मे बी कल तक, जहाँ पे आप मैथमेटिक्स वगैरह के रीजनिंग के सवाल देखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। देखिए पहला सवाल क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब पोर्टल लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक फोर्स NCET वेब पोर्टल। तो इसका पहला आंसर सही है MyNAP 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर रिसेंट रिपोर्ट अवेलेबल ऑन ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, विच रीजन लॉस्ट 12.2 मिलियन हेक्टर्स ऑफ ट्री कवर इन 2020। इसका ऑप्शन बी सही है, ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट देखेंगे आप, जीनोबॉट्स विच वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली वर रोबोट्स डेवलप्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्रॉग। नेक्स्ट, वीरा गैंडोट्स हु फीचर्ड इन गूगल डूडल रिसेंटली इज द फर्स्ट फीमेल मिलिट्री सर्जन ऑफ विच कंट्री। तो ये है आपकी रशिया की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, PSA ऑक्सीजन प्लांट्स वर सेंक्शन फॉर इंस्टॉलेशन इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ PSA। PSA का फुल फॉर्म पूछा है, तो PSA का फुल फॉर्म होगा आपका प्रेशर स्विंग एडजोर्स वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच मंथ द पोषण माह इज ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सेप्टेम्बर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप लॉन्च बाय आयुष मिनिस्ट्री फॉर द इंटरनेशनल योगा डे 2020। तो ये होगा एम योगा होना चाहिए था, इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, तो ये इनफैक्ट सवाल जो है वो डिलीट होना चाहिए और सबको इसके मार्क्स मिलने चाहिए। आप देख लेना ऑफिशियल आंसर की मैं या मैं क्या कहता है, और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना। बहरहाल ये सवाल गलत है। 8, रोशनी नादर मल्होत्रा हैज बीन नेम्ड एज चेयरपर्सन ऑफ विच इंडियन कंपनी। तो ये बनी है आपकी HCL टेक्नोलॉजीज की, नादर जुड़ा हुआ ना, शिव नादर जो है HCL कंपनी का ही मालिक है कह सकते हैं आप। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमीशनर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ही इज राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन टीचर हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर 2020। तो ये है आपका रंजीत सिंह दिसाले, खोड़ा रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, हुनर हाट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है। तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12, और हाँ ये जो क्वेश्चन पेपर आया इसके बाद बीएड वगैरह का भी होने वाला है, बीएड नर्सरी का होने वाला, उसके लिए भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं उन सवालों उन क्वेश्चन पेपर्स में, दूसरे क्वेश्चन पेपर्स में भी, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे वो और जहाँ पे GS रीजनिंग वगैरह आती है, तो यहाँ के GS के सवाल वहाँ GS में पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग के रीजनिंग में, मैथ्स के मैथ्स में, और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि हम सिर्फ अगर BEd स्पेशल दिए हैं तभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे करंट अफेयर के सवाल होंगे जो कि रिपीट होंगे। एनीवे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एज पर रिसेंट स्टडी बाय द IIT खड़गपुर, विच रीजन ऑफ इंडिया इज नेम्ड एज ग्लोबल हॉटस्पॉट ऑफ एटमोस्फेरिक अमोनिया। एटमोस्फेरिक अमोनिया के लिए कौन सा हॉटस्पॉट है। तो ये है आपका 12, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल COVID-19 डायग्नोस्टिक किट। तो ये है आपका IIT दिल्ली। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ डिसअपीयरिंग ट्वीट्स लॉन्च्ड बाय ट्विटर। डिसअपीयरिंग ट्वीट्स जो कि ट्विटर डिलीट करता है, तो ये कहलाएगा आपका फ्लिट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली इंडियन एंड कैनेडियन रिसर्चर्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ डेली प्रोडक्शन इन विच सिविलाइजेशन। इन विच सिविलाइजेशन, कौन सी सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 16th, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क फॉर विच बैंक। तो ये था आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। 17th, हीट फ्रॉम द सन इज रिकवर्ड बाय द अर्थ थ्रू। हीट फ्रॉम द सन इज रिकवर्ड बाय द अर्थ थ्रू, किसके थ्रू आती है ये, तो ये आपके रेडिएशन के थ्रू आती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजी का सवाल है ये, और इसमें पूछा कॉर्पस लूटियम किसका पार्ट है, तो ये ओवरी का पार्ट है। नेक्स्ट 19 देखिए, 19 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो उमासन राम है कहाँ पे, ये मेघालय में।
ठीक है, इससे पहले चेरापूंजी होती थी, लेकिन चेरापूंजी में पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो गई तो वहाँ बारिश कम हो गई है। 20 नंबर सवाल देखिए, हम सीधे पढ़ दे रहे हैं आंसर इसका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन 21, इफ ए चाइल्ड राइट 16 एंड 61 एंड गेट्स कन्फ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस, दिस इज द केस ऑफ, किस टाइप का केस है ये? तो ये केस है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी का। नेक्स्ट देखेंगे 22, विच इज नॉट एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विसेज। देन सिंटैक्टिक एबिलिटीज रेफर टू सिंटैक्टिक एक्टिविटीज, तो ये होती है एबिलिटी टू मेक सेंटेंस स्ट्रक्चर। देन 24, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन फ्री इंडिया वॉज लॉन्च इन द ईयर, तो ये लॉन्च हुई थी आपकी 1968, होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट मोमेंट, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? तो ये है आपकी मिताली राज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन यू ई पी ए इज मेनली कंसर्न विद, किसके साथ कंसर्न है ये? तो कंसर्न है आपका एजुकेशनल प्लानिंग के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेप्शनलिटी मीन्स इक्वल एक्सेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ अबाउ। नेक्स्ट देखेंगे आप 29, व्हाट इज द रिजर्वेशन परसेंटेज एज पर RPWD एक्ट 2016, तो ये होगा आपका 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज ब्रेल, तो ब्रेल क्या होता है? ए टाइप ऑफ डिवाइस यूज्ड बाय ब्लाइंड, रीडिंग सिस्टम फॉर ब्लाइंड, और ये क्या बी सही होगा इसका, रीडिंग सिस्टम फॉर ब्लाइंड। देन क्वेश्चन नंबर 31, द टोटल ऑफ एजेज ऑफ अमर अकबर एंड धोनी इज 80 ईयर्स, व्हाट इज द टोटल एज ऑफ देयर एज, टोटल व्हाट इज द टोटल ऑफ देयर एजेस? 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले की एज पूछी गई है, तो 3 लोग थे, 3 × 3 9, और इसकी 9 माइनस कर दोगे आपस में तो 71 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीधे आंसर बता देते हैं आपको, 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ताकि वीडियो को छोटा रखा जा सके, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। 33, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ ऑल नंबर्स इन द डायल ऑफ ए टेलीफोन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। देन क्वेश्चन नंबर इज 34, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल स्पोर्ट इज इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, तो इसका भी सीधा आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 35 देखिए, फादर इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, इसका आंसर हो जाएगा बी 15। 36, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 50, तो ये होगा आपका 39.8। देन क्वेश्चन नंबर 37, कंप्लीट द नंबर सीरीज 3 7 23 95, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 7 23 और 95, तो पहले 3 को आप यहाँ तक 7 तक कैसे लेके जाओगे? इंटू 2 प्लस 1, 7 से 23 पे पहुँचोगे, इंटू 3 प्लस 2, हर बार बढ़ रहा है, इसे यहाँ तक आएंगे तो इंटू 4 प्लस 3, और नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? इंटू 5 प्लस 4, इंटू 5 प्लस 4, 479 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 39, 39 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। देन 40, 40 का बी करेक्ट होगा आपका आंसर। देन 41, 41 का बी करेक्ट हो जाएगा। 42, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। देन 43, 43 अगेन डी, और 44 इसका होगा बी करेक्ट, 22। देन 45 आंसर इज डी। देन 46 आंसर इज अगेन डी, और उसके बाद 47 पर चलते हैं, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेज इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, तो ये था आपका लाहौर अधिवेशन होगा ये, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, विच अमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सॉइल पीएच, सॉइल पीएच पे किसका फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये नहीं पड़ेगा आपका म्यूरेट ऑफ पोटास का। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस फाउंड इन अर्थ एटमोसफेयर, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्राइमरी गैस है, मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड सीधे तौर पर इसको नुकसान नहीं पहुंचाते। 50, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए जस्ट मोमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 51, 51 का क्या सही होगा भाई? 51 का सी सही है ऑप्शन,
नाउ क्वेश्चन नंबर 52, ये पैसेज बेस्ड है तो फटाफट हम आंसर कर देना। आप पैसेज पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। 52 का आंसर होगा आपका, सॉरी हाँ 52 से शुरू है ना, ठीक 52 का होगा सी, हेजार्ड्स ऑफ अर्बन लाइफ। देन 53 पे चलते हैं, द पैसेज मेनली एम्फसाइजेस, क्या एम्फसाइज करता है ये पैसेज, तो यहाँ पर ऑप्शन फिर से सी सही है। 53 का, इंक्रीजिंग क्राइम रेट इन रूरल एरियाज, सॉरी सी सही है इसका, नहीं बी सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 54, ऑथर थिंक्स दैट रिस्क एंड डिसएडवांटेज आर, इसका डी सही है, मोर देन द गेंस इन अर्बन लाइफ। थैंक्स। 55 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्बन सेटिंग, तो इसका ए सही है, लेस फोर्सफुल सोशल कंट्रोल। देन 56 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो इसका सी सही है, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस क्राइम इन अर्बन एरियाज। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज राइजन फ्रॉम 48 to 52, 4 रुपये बढ़ गया है, कितने पे बढ़ा है, 48 पे बढ़ा है, तो इसकी परसेंटेज आप इस ढंग से निकालेंगे, 4/48 × 100 एंड वुड बी समवेयर अराउंड 8.33, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हु हैज रिटन शकुंतला, तो किसने लिखी थी शकुंतला, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कालिदास। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, व्हेन नासा हैड लॉन्च इट्स फर्स्ट मिशन टू सन, कब लॉन्च किया था फर्स्ट मिशन टू सन, नासा ने ये लॉन्च किया था 2018 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60, फर्स्ट वुमन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज, वुमन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वॉज सुषमा स्वराज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट इज यूज फॉर, तो ये यूज होता है आपका डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, क्या ऑब्जेक्टिव है मेजर इसका, डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज और पोटेंशियल्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 63, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, ऑप्शन सी आप लगाइए ये करेक्ट है। देन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, तो इसका डी सही होगा, एम्बिग्विटी। देन क्वेश्चन नंबर 65, इंक्लूसिंग एजुकेशन का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका डी, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, किसी भी ढंग के बच्चे उनको सबको एक साथ लेकर के पढ़ाना, यही इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। 66, 66 का आंसर होगा सी, कोशिश करें फटाफट आंसर दें आपका जितनी जल्दी हो सकता है। 67 अगेन आंसर इज सी, बोथ अबाव। एंड देन 68, व्हाट वुड यू डू टू इनकल्केट द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन इन स्टूडेंट्स, तो ये पुट देम टू ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क करने से उनके अंदर फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन आएगी। 69, व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंक्लूड ह्यूमन वैल्यूज, इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज इन स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इम्पार्ट नॉलेज ऑफ एथिकल वैल्यूज। सारे ऑप्शंस को भी आपने देख करके आंसर करना होगा, ऑप्शंस एलिमिनेट करते हुए चला करिए तो ये आसानी से हो जाते हैं सवाल। 70 नंबर देखेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड 71, ए स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रूब्रिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 72, पेडागोजी इज कंसर्न विद टीचिंग मेथड। ओके 73, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2015 द रोल ऑफ टीचर शुड बी, क्या रोल होना चाहिए टीचर का, तो ये होना चाहिए फैसिलिटेटर। 74 देखिए, 74 कहता है रूल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देन 75, द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इंटर डिपेंडेंस। 76 ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे आपका, कंपोजिशन। देन क्वेश्चन नंबर इज 77, इफ स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास द टीचर शुड, क्या करना चाहिए टीचर को, चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द टॉपिक, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 85, ए कॉमन टेक्निक टू हेल्प पीपल बिगिन द कोऑपरेटिव क्रिएटिव प्रोसेस इज, ब्रेन स्टॉर्मिंग। देन क्वेश्चन नंबर 78 का बी सही होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है ये प्रोसेस। 79, 79 का होगा ऑप्शन ए सही, विजुअल मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स। देन 80, द स्किल व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड, क्या कहलाती है ये, तो ये कहलाती है आपकी करेक्टराइजिंग। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल डू यू कंसिडर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर,
ये कौन सी स्किल होगी? ये होगी आपकी टीचिंग स्किल। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 82, प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी डन थ्रू मेन स्ट्रीमिंग। तो 82 का नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन, सॉरी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, विच आर्टिकल को एंजॉइंस दैट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर सॉरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो 29(2) के तहत ही होता है, आर्टिकल 29(2)। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इज टू। क्या होता है ये? तो ये पहला सही होगा, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड सुटेड फॉर द डिसेबिलिटी। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, सी, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होपफुली आपको काफ़ी हद तक आंसर्स जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है, और एक्सप्लेन भी शायद बहुत कम सॉल्व किया, बट नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।